बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बंद पर आए हुए हैं तकरीबन लंबाई में 138 फुट और चौड़ाई में तकरीबन कुछ जगहों पर 12 फुट, कुछ जगहों पर 15 फुट और यहाँ पर काम जारी है। 138 लंबाई में अब तक काम किया है, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे बंद पर काम जारी है और अभी काम तेजी से जारी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे शाह साहब भी मौजूद हैं, हाजी हबीब साहब भी मौजूद हैं और कलीम साहब भी मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब पिछले हफ्ते को हम आया था तो एक हफ्ते तक काफ़ी काम किया है माशाल्लाह से, तो काम जारी है इंशाल्लाह, ये काम मुकम्मल हो जाएंगे पानी आने से पहले। और इस बारे में आप थोड़ा अपने इस हर ख्याल फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं अपने अपना के जो हमारे सरकर्ता यहाँ पर हाजी हबीब साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, हमारे अदवशा साहब या इम्तियाज शेख साहब और दीगर जो हमारे आते हैं, तहसीन पेश करते हैं कि ये लोग दिन रात यहाँ पर ये जो कंपनी है जिस कंपनी को ये काम दिया गया है उनके साथ हमारे ये बंदे जो है दिन रात ये लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और इंशाल्लाह रहमान उम्मीद है कि ये काम अभी जारी व सारी है। हमने एक हफ्ता पहले भी यहाँ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी से हमने मुतालबा किया था और कैबिनेट के जो मेम्बरान हैं उसमें हमारे हल्के का जो हमारा नुमाइंदा है कसम काजिम साहब, इनसे भी हम जो है मुतालबा करते हैं कि ये जो इलाका जो है पूरा दरिया की जद में है, हम एक कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप जो है ये पैसा जो है यहाँ पर आप अभी तक आपने हमारे इस एरिया को नज़रअंदाज करके अभी तक इस इतना बड़ा कटाव हो रहा है, हमारा पूरा घर भर जा रहा है और आपने कभी यहाँ पर आके ना इस बन को देखा ना इस इलाके को कब विज़िट किया आपने, इलाके की विज़िट की, तो हम आपसे भी मुतालबा करते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी शरी ज़िम्मेदारी है। एक इलाका जो है उनके घर बाहर जा रहा है, उनके बागात जा रहे हैं ख़त्म हो रहा है, दरख्तें जा रहे हैं कीमती जो है, और उनको छोड़ के आप पैसा जो है आगे पीछे खर्च कर रहे हैं, ये हमारे इस इलाके के साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं। हम एसएम काजिम साहब से मुतालबा करते हैं कि इस अपनी इस एडीपी में जो इस देने वाला है अभी जो एडीपी है उसमें कम से कम 10 करोड़ रुपए वो इस इलाके के लिए मुख्तस करें। आप इस इलाके के हैं, आप देख रहे हैं हम कोई ये जो इलाका जो है कहीं किसी और इलाके से आए हुए नहीं हैं, हम भी यहाँ के शहरी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी स्कर्दू हल्का नंबर 2 के जो है बाशिंदे हैं, पुश्तनी इलाका है और इसके साथ जो है ये ज़्यादती कर रहे हैं। हम आपको आप से हमारा मुतालबा है कि आप एक आएँ और अपना विज़िट करें और अपने डीपी से जो है कम से कम 10 करोड़ रुपये आप इस इलाके के लिए दे दें, इस बंद के लिए दे दें, वरना ये पूरा इलाका इसकी जद में है, कल को आपने आखिरत में भी जवाब देना है। आज आप कहेंगे जी कि इस इलाके से, हाँ इस इलाके से वोट भी आपको मिला लेकिन इतना ज़्यादा जो आपको वोट नहीं मिला है, लेकिन वोट की बात नहीं है, आप इलाके का नुमाइंदा है, आपको काम करना चाहिए, आपके हाथ में एडीपी आपके हाथ में है, आपको भी अपने एडीपी से जो है इस इलाके का भी हक है, ये लोग कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं, तो हमारा आपसे मुतालबा है आप अपने एडीपी से जो है 10 करोड़ रुपए इस इलाके के लिए मुख्तस करें। और वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी से भी हमारा मुतालबा है, साथ साथ हमारा कमिश्नर बल्तिस्तान और डीसी साहब से भी हमारा भरपूर मुतालबा है कि आप लोग आएँ इस इलाके देखें, तब आपको पता चलेगा ये इलाका जो है कितने मुश्किलात में है, पूरी दरिया का फ्लो जो है वो इस तरफ आया हुआ है, शिगर का दरिया जो है हालांकि उस साइड से जाना चाहिए था जबकि वो डायरेक्ट इस तरफ आया है, तो ये इलाका एक मुश्किलात में है। तो हमारा जो गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनसे हमारी ये मुतालबा है, उनसे हम अपील करते हैं कि आएँ इस इलाके को देखें, इस प्रोटेक्टिव बंद को देखें जो कि हम अपनी मदद आपके तहत बना रहे हैं। मैं अपने इलाके के लोगों को सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने जो है अपनी जेब से करोड़ रुपया दे के तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपया हम अभी खर्च करने जा रहे हैं, खर्च हो रहा है, ये हमने अपनी मदद आपके तहत ये पैसा हम खर्च कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान का ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि उस इलाके के आवाम अपनी मदद आपके तहत उन्होंने काम शुरू किया है और करोड़ रुपये यहाँ पर लगा रहा है। तो एक दफ़ा फिर मैं गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला समेत चीफ सेक्रेटरी समेत जितने भी जिम्मेदारान हैं
उनसे हम ये मुतालबा करते हैं, उनसे ये अपील भी करते हैं कि इस हमारी इस मुश्किलात में आप साथ दे दें और इस इलाके को आप बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।